47 साल की एक महिला मेरे पास इरेगुलर मेंसेस का केस लेकर आई कि डॉक्टर साहब लगभग 1.5 साल से मुझे मेंसेस तो इरेगुलर आ रहे हैं और किसी भी डॉक्टर को मैंने छोड़ा नहीं है। जो भी है आसपास के जितने भी बड़े डॉक्टर हैं गायनेक है सभी को दिखाया है मैंने, बाकी मेरे मेंसेस इरेगुलर आ रहे हैं और अभी कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं 2 महीने से, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे 4-5 दिनों से। तो किसी ने आपके बारे में सजेस्ट किया कि होम्योपैथी में इससे आराम मिलता है, तो पर डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी है कि अब इसको ऑपरेशन के बिना रोका नहीं जा सकता, ब्लड को बिना ऑपरेशन के ब्लड को रोका नहीं जा सकता। उस लेडीज की ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं है अब, हर प्रकार के एंटीबायोटिक, हर प्रकार की ब्लड को रोकने के इंजेक्शन वगैरह लगाए जा रहे हैं रेगुलर सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, पर वो 4 या 5 दिन बंद रहते हैं वापस स्टार्ट हो जाता है। किसी डॉक्टर का मेनोपॉज के आसपास है तो ये शायद ही बंद हो, आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपको तकलीफ क्या है, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है अभी कुछ दिनों से और इस ब्लीडिंग की वजह से मुझे ना बहुत कमजोरी हो रही है। तो मैंने कि तो और मतलब डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा मेरी सोनोग्राफी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ छोटी सी बल्कि यूट्रस है वो जनरली सबको होता है। तो डॉक्टर साहब मैंने सोनोग्राफी कराई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा तकलीफ क्या है मेरी। तो मैंने कहा कि वो कि डॉक्टर साहब मैंने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया है, काफ़ी डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया है, पर मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी है। तो मैंने कहा कि आपको ऑपरेशन में क्या दिक्कत है, तो बोले सर मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती। मैंने क्यों, इतना ब्लड जा रहा है आपको, तकरीबन 1 साल से ब्लड जा रहा है कंटिन्यू, 15 दिन की गैप देके फिर ब्लड जा रहा है। मैंने नहीं सर वो ऑपरेशन के बाद फिर और कमजोरी आ जाएगी, तो मैंने इससे क्या तकलीफ है। तो यहाँ पेशेंट ने इस केस में थोड़ा सा हमें डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर की, पर पेशेंट का ये कंसर्न नहीं था। तो मैंने बताया कि कमजोरी से क्या तकलीफ है आपको, तो बोले सर के देखो ना सर कि जनरली ऑपरेशन होता है लेडीज कितनी परेशान हो जाती हैं, सर वो परेशानी नहीं झेल रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, और बोली बोले कि सर वो अभी 1 महीने 2 महीने से ब्लड तो जा रहा है, पर मेरी पास वाली पड़ोसन ने मुझे बोला कि तुझे इतना ब्लड जा रहा है कोई बड़ी समस्या गांठ वांठ निकल गई, तो तब से मेरी घबराहट और बेचैनी और बढ़ गई है। डॉक्टर साहब आवाज साफ नहीं आ रही मेरी अभी, ठीक है पड़ोसन ने मुझे जब से पड़ोसन ने मुझे पास से पास वाली पड़ोसन ने बोला कि तुम्हें इतनी ब्लड जा ब्लीडिंग जा रही है तुम्हें कोई गांठ वांठ है या कोई बड़ी परेशानी नहीं निकल जाए बाद में, तो सर सबसे मुझे ना रात की नींद सब उड़ गई है मेरी, मुझे खाना पीना भी नहीं खा रहा है इतना डर लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा मुझे कि बीमारी क्या है, आपके पास इसका इलाज है क्या कोई, इससे मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। क्या हाँ ठीक हो जाएंगे आप टेंशन ना लें। तो मैं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी, मुझे डर लग रहा है कि बड़ी बीमारी ना बन जाए कोई। तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हमने इतने तक ही केस को लिया क्योंकि इतने में मुझे मेडिसिन समझ में आ गई थी, काफ़ी पहले मेडिसिन समझ में आई थी तो पेशेंट का इतना कंसर्न था और हमने उसे मेडिसिन दी 200 का एक डोज दिया। 3 दिन ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा रही, हमने उसको पहले बोल के बताया था कि शुरू में 2 या 3 दिन अगर ब्लीडिंग आपको बढ़े घबराए नहीं, तीसरे दिन से उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल होती गई होती गई होती गई, उसके पैड्स वगैरह जो थे सैनिटरी पैड वो कम होते गए, जो पहले वो 5 5 6 6 7 7 यूज़ करती थी उसने 3rd डे के बाद से 3 4 3 2 1 और अभी 1 महीने के तकरीबन ट्रीटमेंट हो गया है, उसकी ब्लीडिंग कम्प्लीटली स्टॉप है और उन्होंने सोनो करवाया है, सोनो पूरी तरह नॉर्मल है, बल्कि यूट्रस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जन ने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है अब आपको, और ब्लीडिंग जो उसकी 1 1.5 साल से कंटिन्यू चल रही थी सिर्फ 5 या 8 दिन की गैप छोड़ के, हमने सिर्फ एक ही डोज दिया है उसको अभी तक और पेशेंट पूरी तरह ठीक है। अब इसमें हम रूब्रिक देखें, सबसे पहले आपने रूब्रिक नहीं बनाया इस केस में, मेडिसिन बताएं आप इस केस की, या अगर केस अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वो रिपीट करोगे। स्ट्रेमोनियम और रूब्रिक बताते जाएं,
इस बारे में एक अच्छा रूब्रिक सीखेंगे। कई बार हम बड़े रूब्रिक पकड़ लेते हैं, इस लेडी से जो एंड में बोला कि डॉक्टर सब कुछ कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, मुझे डर लगा कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी मुझे। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीजेस। बहुत बड़ा रूब्रिक है, हम इससे शॉर्ट रूब्रिक देखेंगे इस बार। लाइट इज उसमें ऑन। पूरे पेशेंट बोल रही है ना कि डॉक्टर साहब बीमारी ठीक तो हो जाएगी ना। कैल्केरिया लग रही है, फियर ऑफ सफरिंग, फियर ऑफ पॉवर्टी और एंजाइटी वेकिंग ऑन, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, लाइट डिजायर। और फ्राइटेंड अवेकर, मतलब फ्राइटेंड बोलने के बाद ये हो जाता है, पता डर के मारे वो नहीं हो जाएंगे ना, फ्राइटेंड अवेकर। मेडिसिन रूब्रिक बता जाइए। पहले वो सभी तरफ गई डॉक्टर, सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जब से उसके बाजू वाले ने बोला कि तब देखिए पेशेंट जब हमें कोई रूब्रिक बोलता है तो रूब्रिक वो एंड कहाँ करता है, वहाँ रूब्रिक बनता है हमारा। पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने सब जगह दिखाया पर फायदा नहीं हुआ, मुझे कोई आराम नहीं मिला। बिजनेस टॉक, बिजनेस टॉक। जिस चीज पे उसका जोर है उस चीज पे हमें रूब्रिक बनाना है। डॉक्टर साहब जब सब जगह दिखाया मैंने, डॉक्टर साहब मैडम सर इस जगह दिखाया उस जगह दिखाया पर मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बिजनेस टॉक, इसके तो काफी रूब्रिक हैं, 5-7 रूब्रिक इसके हैं, प्रोमिनेंट रूब्रिक हैं मेडिसिन में। एक बार फिर से वापस बताऊं मैं केस लेडीज को, 47 ईयर्स ओल्ड फीमेल है जिनको तकरीबन 1 से 1.5 साल से इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम है, तकरीबन 6 महीने से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है 5 या 10 दिन छोड़ छोड़ के, क्योंकि मेनोपॉजल एज है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये नॉर्मल नॉर्मल है, ये तो होना ही होना है क्योंकि अब जाने वाले हैं आपके मेंसेस। और पेशेंट मेरे पास आकर बोले डॉक्टर साहब अभी तो कुछ दिनों से ब्लीडिंग मेरी बढ़ गई है और आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और इस ब्लीडिंग की वजह से मुझे बड़ी कमजोरी फील हो रही है और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। तो हमने पूछा और बोले सर डॉक्टर को सारी जाँचें करवाई हैं उन्होंने, मेरी सब सारे चेकअप करवाए, सोनो करवा ली, ब्लड टेस्ट करवा लिए, जमाने की जांचें करा ली, पर समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब तकलीफ क्या है ये। और सभी जगह हमने डॉक्टर को दिखाया पर इस बीमारी में कोई फायदा नहीं मिल रहा, मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा क्योंकि ब्लीडिंग 5 दिन के लिए बंद होती है वापस चालू जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी पर मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो मैंने पूछा क्यों सर, डर लगता है मुझे ऑपरेशन करवाने में, मुझे तो गोली दवाई से ठीक होना है। मैंने पूछा क्यों सर, वो ऑपरेशन के बाद में हमने काफी लोगों को देखा है कि वो कितने परेशान होते हैं, परेशानी झेलते हैं, तो सर मुझे वो परेशानियां नहीं झेलनी है। तो मैंने कहा कि अभी क्या प्रॉब्लम है सर, वो कुछ नहीं है, डॉक्टर की गोलियां वगैरह खा तो रही थी मैं, टेबलेट भी ले रही थी मैं बराबर समय से, पर मेरे पड़ोसों ने कहा कि ऐसा नहीं हो कुछ बड़ी गांठ अंदर हो और ये ब्लड इसकी वजह से बंद नहीं हो रहा है। तो सर उसकी बात से ही मुझे डर और घबराहट बढ़ने लग गया है और फिर मुझे चैन नहीं पड़ रही कि क्या करूँ मैं इसके लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उसके बाद से मेरी डर और चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर साहब इसका आपके पास ट्रीटमेंट तो है ना, इसमें होम्योपैथी में आराम तो मिल जाता है ना। तो मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो इतना सा केस है, आपकी केस की टोटलिटी बनाए, रूब्रिक बनाए, हम डायरेक्ट किसी भी मेडिसिन को लिखने से पहले उस रूब्रिक का मेडिसिन का आधार दें तो बड़ा मजा आएगा हमको रूब्रिक टॉकिंग सीखने में भी। टॉकिंग बिजनेस ऑफ लाइट डिजायर फॉर एंजाइटी डार्क इन एंड एस्केप अटेम्प्ट टू फास्फोरस डिफरेंशिएट विद सेमोनिया। जी बताइए। और डार्क एंजाइटी, डार्क
Right desire, assurance, fear suffering, fear injury. Medicine. External evidence. Sir, anxiety. जी लाइट डिजायर है सर, इसमें लाइट डिजायर है, फियर सफरिंग है, थोड़ा थोड़ा ग्रुपिंग जैसा भी लग रहा है, एंड फियर ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज भी लग रहा है। फियर इनक्यूरेबल कैसे लगा आपको? कुछ बड़ी बीमारी ना हो जाए। देखिए पेशेंट जो कई बार हम थोड़ा सा फील समझने के चक्कर में हमारे रूटीन कई बार गलत हो जाते हैं। पेशेंट एक सामने जो हमारे बोला है जैसे कि डॉक्टर साहब कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, इम्पेंडिंग है ना, बड़ी बीमारी इम्पेंडिंग, उसको बड़ी बीमारी दिख रही है, पर हम आज इसका एक शॉर्ट ओब्लिक देखेंगे कि कई बार पेशेंट ऐसे बोलते हैं डॉक्टर साहब डर लग रहा कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो एक दो धारी रूब्रिक हम देखेंगे जिसमें मेडिसिन भी काम है और इस केस को बहुत सूट करती है और उस रूब्रिक को हमने काफी केसेस में यूज किया है। सीखने के बाद तो आप भी कई बार लगा नहीं, हाइपोकॉन्ड्रियस होती तो वो इतने टाइम तो ट्रीटमेंट नहीं लेती, वो जरा हर थोड़े थोड़े दिन में डॉक्टर को चेंज कर देती, यहाँ आराम मिले तो वहाँ चली जाती, हर डॉक्टर को बार बार फोन लगाती, पर मुझे ऐसा हाइपोकॉन्ड्रियस जैसा लगा नहीं उसके अंदर, लेकिन बड़ी एंजाइटी और फियर में है। एंजाइटी में तो शुरू से है, वो फियर में कुछ दिनों से, इतने दिनों से तो वो ले रही थी कि डॉक्टर को लाइट दे रहे थे कि हाँ ठीक हो जाएगा, वो पूछती और वो ऐसा हो जाती, पर डर से वो कुछ दिनों से ही है, पर वो ऑपरेशन नहीं करना चाहती। कितने पेशेंट आते हैं हमारे पास फाइल्स के कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करवाना, तो सबकी एक अपनी अपनी एक थ्योरी होती है, सब अपना कंसर्न होता है, कोई चाहता है कि नहीं डॉक्टर साहब पैसे कम है, कोई कहता है डॉक्टर साहब दर्द वो डर लगता है दर्द की वजह से, कोई कहता है डॉक्टर साहब वो फलाना मर गया ऐसा मेरे साथ कुछ ना हो जाए, सबकी कंसर्न ऑपरेशन को लेकर अलग अलग है। इसका कंसर्न जी भी बढ़ रहा है, आपकी आवाज कट रही है इसका कंसर्न सर, फियर सफरिंग है, ऑपरेशन इसीलिए नहीं कराना है इसको, फियर सफरिंग है, बाद में परेशानी झेलनी पड़ेगी, लोगों को देखा है उसने परेशान होते हुए फैमिली वगैरह में, तो वो सफरिंग, वो परेशान होना झेलना वो नहीं चाहती हो ऑपरेशन करवा के। तो पैरास्टेटिस कहाँ हुआ सर? है इस केस में, पर क्लियर कट है इसमें सुपरस्टिशियस जैसी फील है, पर हमने लिया भी है लिखने के, बाकी वो मेडिसिन के शुरू के कुछ जो प्रॉब्लम बड़े बड़े रूब्रिक थे उसी में वो मेडिसिन क्लियर है, सुपरस्टिशियस है ये, दूसरों की बातों को रॉन्ग बिलीफ जानकारी को भी वो सही मान रही है या विश्वास कर रही है, उसकी वजह डर रही है। Impressionable. आप रूब्रिक के साथ मेडिसिन बताते जाइए क्या मेडिसिन क्या है सर? फियर डिल्यूजन फ्रॉम फियर डिल्यूजन फ्रॉम, अब हम केस को शुरू से देखेंगे किस किस की मेडिसिन, बहुत सिंपल सी बहुत रूटीन रेमेडी है, कोई ज्यादा मुश्किल रेमेडी नहीं है, हमारे बहुत रोज के यूज होने वाली रेमेडी है। सबसे पहला पेशेंट आते से मुझे बोला कि डॉक्टर साहब तकरीबन एक डेढ़ साल से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, छः महीने से बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लीडिंग हो रही है और अभी तीन दिन से तो बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्स्ट्रावेगेंस डिल्यूजन इनलार्ज। आते से पेशेंट टेबल पे आते से बोलते हैं कि पहले कम थी अब बहुत ज़्यादा होने लग गई है और कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग आज हो रही है एक्स्ट्रावेगेंस, वो इस ब्लीडिंग की वजह से मुझे ना कमजोरी बहुत हो रही है, डिल्यूजन इंजुरी बींग इंजर्ड। उसके बाद में पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मैंने सोनो भी करवाई, सोनो भी नॉर्मल है, ब्लड रिपोर्ट करवाए वो भी नॉर्मल है, और जो डॉक्टर ने जो बोला टेस्ट करवाए वो भी नॉर्मल, सारे टेस्ट करवा लें, डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा बीमारी क्या है, ये ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क, अंधेरे में टटोल रही है पर बीमारी नहीं मिल रही है उसको, फिर कह रहे डॉक्टर बीमारी क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एंजाइटी इन डार्क। जब हमने उससे पूछा, डॉक्टर ने उनको बोला कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन आपको करवाना पड़ेगा, तो पेशेंट ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, यह फियर एस्केप डिजायर टू डर
रही है ऑपरेशन कराने के लिए। यहाँ पेशेंट डर के साथ एस्केप करता है, एस्केप करना चाहता है, तो फिर एस्केप डिजायर टू। और फिर उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट ले रही थी एलोपैथिक डॉक्टर्स का, और किसी ने पड़ोसन ने कह दिया कि ऐसे ही अगर ब्लीडिंग जाती रही तो कैसे नहीं कि अंदर भी बड़ी जिठान उसके जा रही है। तो उसके कहने के बाद उसकी थोड़ी सी डर चिंता बड़ी, फियर वेकिंग ऑन। इतनी देर तक तो नॉर्मल कंडीशन में थी, पर पड़ोसन ने बिल्कुल झकझोड़ सुनाया उसको भी एक वो ऐसी ब्लीडिंग जा रही है, तो उसकी फियर वेकिंग ऑन। डर के बाद उसकी नींद टूटी, उसका डर बढ़ा, तो ये फियर वेकिंग ऑन है। और फिर उसने हमसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बीमारी ठीक तो हो जाएगी ना, इतनी परेशानी, मेरी बीमारी ठीक तो हो जाएगी ना। लाइट डिजायर। और सबसे आखिरी जो रूबरी है, उसने पेशेंट ने हमसे बोला था कि डॉक्टर साहब इस बीमारी से ऐसा नहीं, मुझे डर लग रहा है कि बीमारी कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मुझे इम्पेंडिंग है इस केस में, पर हमने फियर डिल्यूजन फियर फ्रॉम लिया। इस केस में फियर डिल्यूजन फियर फ्रॉम इसलिए लिया क्योंकि पेशेंट को डर के साथ डिल्यूजन होता है, डॉक्टर डर लग रहा कोई बीमारी ना हो जाए, कल्पना करती है, वो एहसास करती है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। और इन सभी रूबरी के आधार पर हमने उसको स्ट्रामोनियम 200 का एक ही डोज दिया। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 दिन बाद उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल धीरे 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 उसके जो सैनिटरी पैड है धीरे धीरे कम होते गए, जो 7-8-10 दिन तक 10-10 पैड वो एक दिन यूज करती थी, वो 4-5-4-3-2-1 और कोई पैड की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्टॉप हो गई ब्लीडिंग। ये तकरीबन साल भर में पहला ऐसा महीना गया है उसका जिसको बिल्कुल ब्लीडिंग ना आई हो। तो ये केस था स्टामोनियम 200 का, और अभी तक कोई रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ी हमें उस लेडीज को। सर प्लीज वो वर्जन रिपीट कर दीजिए, एक्स्ट्रावेगेंस और एनलार्ज वाला। कौन सा? एक्स्ट्रावेगेंस और डिल्यूजन एनलार्ज वाला। पेशेंट का वर्जन सर प्लीज सारे रिपीट करना पहले से शुरू से। नहीं नहीं सर, उसने जो एक्स्ट्रावेगेंस और आपने लिया ना एक्स्ट्रावेगेंस, वो पेशेंट ने पेशेंट ने आते से कहा डॉक्टर साहब ब्लीडिंग तो मुझे तकरीबन 6-1.5 साल ऊपर से है, 6 महीने से मुझे गैप गैप में आ रही, पर अभी 3 दिन से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है मुझे, पहले कम थी मेरी ब्लीडिंग पर अभी 3 दिन से बहुत ज्यादा बढ़ गई और अभी आज तो बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है डॉक्टर साहब मुझे। तो ये डिल्यूजन इनलार्ज और एक्स्ट्रावेगेंस, तो इसकी वजह से मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड। ओके सर, थैंक यू। बहुत सिंपल था कैसे स्ट्रामोनियम का कैसे पेशेंट कई बार हम जब कंसर्न पूछते हैं तो ऑपरेशन के लिए तरह तरह के अपने अपने कंसर्न देते हैं। कुछ पेशेंट किसी दूसरों की बीमारी को देख के डर की वजह से वो ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, या पेशेंट सफरिंग की वजह से नहीं करवाना चाहती है कि झेलना पड़ेगा मुझे ऑपरेशन। सर जी वो तो सब ठीक है, ये जो अभी डिल्यूजन इनलार्ज और एक्स्ट्रावेगेंस तो ये दोनों एक ही वर्जन पर लिया है इसको जी। पहले आते थे पेशेंट ने कहा ना कि सर पहले 3 दिन पर, हाँ। 3 दिन पे, 3 दिन पे मुझे 3 दिन पर ब्लीडिंग थी, पर 3 दिन से आज ब्लीडिंग ज्यादा है, पहले कम थी अब ज्यादा है। ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंस हो गया, इनलार्ज हो गया ना, ये इनलार्ज हो गया। पहले कम था अब ज्यादा है, डिल्यूजन इनलार्ज, और आज बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है मुझे, बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है मुझे। एक्स्ट्रावेगेंस में फीलिंग बहुत की होगी, इनलार्ज में पेशेंट कंपेयर करेगा कल कम थी आज ज्यादा है, आई क्यों हमारे लिए, कल कम था आज ज्यादा है, आज ज्यादा हो गया तो आज हमारे पास आई है। तो उसने ये चीज बोली ना, पहले डॉक्टर साहब कल 3 दिन से तो ब्लीडिंग इतनी नहीं जा रही थी, पर आज तो ज्यादा ही जा रही है। हाँ सर, कल कम आज ज्यादा। हाँ हाँ, ये थोड़ा कंफर्म हो गया है यहाँ, जो पहले कम और अब ज्यादा, ये डिल्यूजन इनलार्ज में चले। रिंग वर्म के पेशेंट कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब पहले दराते इतना छोटा ही था, पर एक दिन से इतना बड़ा हो गया है। हम पूछते ना क्यों है इलाज कराने के, डॉक्टर साहब पहले इतना ही था ये, अब इतना बड़ा हो गया ये, मतलब साइज इतने से इतनी हो गई, तो ये डिल्यूजन इनलार्ज है। एक्स्ट्रावेगेंस में तो पेशेंट खुद बोलता है बहुत खुजली चलती है,
तो बहुत उलट जाता है, जहाँ बहुत बहुत ही सेंस होंगे, फीलिंग होगी, वो एक्स्ट्रावेगेंस है, और जहाँ कंपेरिजन करेगा पेशेंट, कल कम था आज ज्यादा है, कहीं इलाज में। थैंक यू सर। तो बहुत ही इजी केस है, इसमें इम्पेंडिंग की जगह हमने इम्पेंडिंग काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, बाकी हम चाहते हैं कि कम मेडिसिन वाले रूब्रिक यूज़ करें जो उनसे सिमिलर हो। तो यहाँ हमने फियर डिल्यूजन फियर फ्रॉम लिया था, जहाँ पांच चार पांच रेमेडी के साथ में स्ट्रॉन्ग में एक रेमेडी है, वहाँ पर वहाँ उसको डर के साथ डिल्यूजन होता है, डॉक्टर साहब कोई बड़ी कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी मुझे। पोटेंसी 200 सिंगल डोज और प्लेसिबो। इसमें कुछ पूछना है? इसमें पेशेंट ग्रुपिंग कर रही थी, बाद में पेशेंट ग्रुप करा था कि डॉक्टर मैंने जांच सोनों करवा ली है, मैंने रिपोर्ट्स करवा लिए, सारी रिपोर्ट्स करवा लिए, पर मुझे कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही। नेक्स्ट है सर। ओके नेक्स्ट केस जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस का है, और तकरीबन 3-4 साल से उनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम थी, और मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब काफ़ी सर्दी जुकाम अगर उनको कुछ ज़्यादा हो रही थी, और वो मुझे आकर बोले कि डॉक्टर साहब सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। तो मेरे कब से डॉक्टर साहब बीमारी तो मुझे तकरीबन 3-4 साल से है, और अभी मैं 3 दिन पहले हवन करने गया था, तो वहाँ पर मैंने ठंडा पानी पी लिया, तो उसके बाद से मुझे सर्दी खांसी हो गई। तो मैंने कहा कि और डॉक्टर साहब ये तो मेरी काफ़ी पुरानी समस्या है, ये जब भी मौसम वगैरह बदलता है डॉक्टर साहब तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाती है, और ये जब बादल वाला मौसम जब होता है ना तब मुझे सर्दी जुकाम हो जाती है। तो मैंने कहा कि इसके लिए आपने क्या किया? मैं कुछ नहीं सर, घर पे एक काढ़ा वगैरह बना के पिया मैंने, और 4-5 दिन तक मैंने ये किया, काढ़ा वगैरह पीना, तुलसी के पत्ते खाना ये वगैरह, बाकी उससे कुछ मुझे आराम नहीं मिला। तो आज तकलीफ मुझे लगी कि सर को दिखा दूँ मैं, तो सर मुझे थोड़ी सी ना ये मैंने हमने पहले जाँच करवाई थी तो उसमें DNA निकला था मुझे, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, और इतने ही पेशेंट की केस टेकिंग, और हमने उनको पेशेंट को एक डोज दिया मेडिसिन का, और कोई रिजल्ट नहीं मिले उनकी सर्दी में। 3-4-5 दिन तक उनको सर्दी चलती रही, और पांचवें छठे दिन तक उनको सर्दी में आराम आना शुरू हुआ, और तकरीबन 3-4 महीने के अंदर उनकी जो बार बार रिकरेंट सर्दी वगैरह जुकाम राइनाइटिस जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। बहुत सिंपल केस है ये भी, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट हमारे पास ये केस आते हैं, और ये तकरीबन काफी पुरानी है, क्योंकि पेशेंट ने आते से हमें एक्यूट को कंप्लेंट बताई है, क्योंकि हमें क्रॉनिक केस के अंदर एक्यूट कंप्लेंट ढूंढनी है, और वो पेशेंट एक्यूट कंडीशन में हमारे पास आया था, और हमने एक्यूट के बेस पर मेडिसिन दी, और उनकी जो बार बार टेंडेंसी बनी हुई थी यहाँ पर एक टेंडेंसी टूट गई उनकी, और वो ठीक है अभी भी 200 के डोज पे हैं वो, हमने रिपीट तो किया ही नहीं उनको, बाकी अभी तक उनको सर्दी जुकाम की, क्योंकि वो पंडित हैं और काफ़ी हवन वगैरह करते हैं, और अभी उन्होंने अष्टमी नवमी के हवन किए हैं, और उनको धुएं से वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी।
तीन या चार साल में पहली बार उनको ऐसा फील हुआ। फर्स्ट रूब्रिक सर डिल्यूजन इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स होगा। सेकंड ट्रेडिशनल व्यू डाइज क्योंकि उन्होंने गाड़ा वगैरह बोलिया। यहाँ एक ही रूबिक दो तरीके से है। यहाँ एक ही रूबिक दो तरीके से है। सबसे पहले पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब डिलीजन इन जी डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड भी आएगा और डिलीजन इंजरी इंजर्ड बाय सराउंडिंग भी आएगा। एंड प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज लाइक इट। बहुत सिंपल कहते हैं पेशेंट ने आते से बोला कि डॉक्टर साहब जब से मैंने ठंडा पानी पिया है तब से मुझे सर्दी जुकाम हो गया। डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड और जब भी ये डॉक्टर साहब ये बादल वाला मौसम होता है या मौसम चेंज होता है तो मुझे सर्दी हो जाती है। डिलीजन इंजरी बीइंग सराउंडिंग और थर्ड चीज उसने बोली कि जब जब ये मौसम चेंज होता है तब तब मुझे ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ये जो काढ़े वगैरह जो लोग पीते हैं वो भी प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल है क्योंकि वो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। और कई बार पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब जब ये मौसम चेंज होता है तब तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाती है। मतलब पेशेंट की और मौसम की टेंडेंसी बन गई है। तो पेशेंट ने आते से कहते हैं तो जब भी ये मौसम चेंज होता है तो मुझे ये सर्दी जुकाम हो ही जाता है। तो ये ही प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल है कि पेशेंट की एक टेंडेंसी एक ट्रेडिशन बन गया है बॉडी का कि जब भी मौसम चेंज होगा उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो हमने इस रूब्रिक को काफी जगह यूज किया है काफी अलग अलग तरीकों पर दो तरीकों से दोबारा और हमने उनको लैकेसिस 200 का एक ही डोज दिया और अभी तक 3 महीने तक रिपीट नहीं किया हमने डोज को। काफी अच्छी कंडीशन में है तकरीबन 80-90% हो गए पेशेंट और क्योंकि जनरली काफी हवन वगैरह करते हैं शर्मा फैमिली से हैं तो ये चीजें हमको बहुत जल्दी देखने में आती है कि ये हमारी मेडिसिन काम कर रही है नहीं कर रही है। तो वो अब कर रहे हैं बिना मास्क वगैरह के या धूल थमास के कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट केस सर थर्ड केस एक पाइल्स का है और लेडीज को पाइल्स तकरीबन 7 साल से है। और जब वो लेडीज हमारे पास आई तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब है ना मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा जी हाँ। तो बोले डॉक्टर साहब पाइल्स में मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है तो मैं फ्रेश होके आती हूँ उसके बाद मुझे बहुत दर्द होता है। तो मैंने हाँ और तो बोले कि सर और इस पाइल्स में ना ब्लड जा रहा है अभी तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है और हम काफ़ी डॉक्टर से गए दिखाने करने के लिए सर्जन के पास उन्होंने इसलिए ऑपरेशन के लिए बोला और मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो मैंने पूछा क्यों तो बोले कि डॉक्टर साहब नहीं करवाना मुझे ऑपरेशन। तो मैंने कहा हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा कोई विशेष कारण होगा जो पेशेंट बताना नहीं चाहती है पर है बहुत महत्वपूर्ण कारण जो हमको जानना है क्योंकि हर पेशेंट के ऑपरेशन नहीं कराने का कारण अलग अलग होता है। तो मैंने पूछा क्या तकलीफ है क्यों नहीं करा मतलब हमने वो थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ बातें की तुमने क्या करवाया अपने इलाज के लिए। बोले डॉक्टर साहब काफी डॉक्टर्स को हमने इलाज करवाया है बाकी कोई फायदा नहीं हो रहा है कुछ दिन उनकी ट्यूब वगैरह लगाने से थोड़ा राहत मिलती है और वापस से तकलीफ शुरू हो जाती है। मैंने फिर मैं उसके हस्बैंड को एक बार वापस से अंदर बुलाया उनको बाहर बिठाया तो भैया ये हम आपने भी तक इनको ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर ने और काफी ये बता रहे हैं काफी बड़े बड़े पाइल्स हो रहे हैं और 7 साल हो गए हैं। तो बोलो सर क्या कि वो है ना मेरी मदर है ना वो 3 साल पहले 2 साल पहले हमने उसका ऑपरेशन करवाया था पाइल्स का। तो
उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद में नीचे का हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया और हमने तकरीबन एक या डेढ़ साल तक उनकी सेवा की और वो अभी लास्ट जनवरी में एक्सपायर होगा। तो उनकी वजह से ये ऑपरेशन नहीं करना चाहती, तो हमने कहा कि ठीक है और हमने उस वक्त बहुत छोटा था वो, बोले डॉक्टर साहब हमने बहुत ट्यूब लगाया इसको, अभी तो बहुत कम है ये, पहले बहुत तेज में बढ़ गया, आप ट्रीटमेंट लेंगे पर इसकी भी प्रॉब्लम आपको वापस आ सकती है, तो आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पेशेंट को हमको कन्विंस करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो पेशेंट फिर कुछ भी नई बीमारी आती है तो वो हमारा ट्रीटमेंट फेंक देता है, छोड़ देता है। हमने उसको टूने का एक डोज दिया, शुरुआत में उसकी पाइल्स में ब्लीडिंग अगले दिन से ही बंद हो गई और कुछ भी एक महीने तक उसको ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, पर एक महीने बाद उसका एक्जिमा बहुत भयानक रूप से उभरा, उसके दोनों ही पैरों पर ऐसे ब्लैक 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 स्पॉट बना दिए और बड़ी हालत खराब कर दी पेशेंट की, और पेशेंट चलने फिरने से मुहताज हो गई कुछ समय के लिए। मुझे लगा कि मुझे पता है कि ओल्ड सिम्टम रिकरेंट हो रहे हैं, तो पर पेशेंट आकर बिल्कुल चलने फिरने कंडीशन, डॉक्टर साहब देखो क्या हालत हो गई मेरी, चल फिर नहीं पा रही हूँ मैं, तो मैंने हस्बैंड को कन्विंस किया कि ठीक है आप मन मारिए थोड़ा सा, हमने उनको 10 डेज के फॉलोअप पे छोड़ा और 10 दिन बाद उनके हस्बैंड का फोन आया, डॉक्टर साहब अब दर्द में बहुत राहत है, अब दर्द में बहुत राहत है। तकरीबन आप 7-6 महीने के ट्रीटमेंट में पेशेंट का पाइल तो तकरीबन 3rd महीने में थर्ड या 4th महीने पूरी तरह क्लियर हो गया था और एक्जिमा अब पूरी तरह क्लियर है। क्षमा चाहता हूँ सर, आवाज थोड़ी ज्यादा, सर अनम्यूट कर लीजिए अजय सर। तो यहाँ पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, पेशेंट ने ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा बातचीत के साथ नहीं हुई उसकी, और पेशेंट का कंसर्न था कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती हूँ क्योंकि उसके घर में एक डेथ हो चुकी है पाइल से। हॉरिबल सैड थिंग्स। और मेडिसिन हॉरिबल विजन भी लग रहा है उसको, विजन हॉरिबल विजन उसको, तो उसकी सासू माँ दिख रही है ना मरी भी। हाँ, fear of death भी हो सकता है उसको, fear of suffering, brilliant dead person sees। देखिए हमें कोई जरूरी नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी, यहाँ पेशेंट ने आते से कुछ बातचीत की हमारे साथ में और कंसर्न दे दिया, कंसर्न उसके हस्बैंड ने दिया, वो बोल रही थी अटक रही थी, बाकी उसने घर उसके हस्बैंड को बताया था कि देखो हमारे घर में भी ऐसा हो चुका है ना, तो मैं ऑपरेशन तो फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मुझे डर लगता है वो उनके साथ हो गया ना तो मेरे साथ भी हो जाएगा, क्योंकि उनको जैसे ही एनेस्थेसिया दिया उनका नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया, तो पेशेंट को डर है कि मुझे भी ऐसा हो जाएगा। और दिन भर उसको उनकी सासू माँ दिखती है मरी हुई, नहीं Delusion phantom sees black। Delusion jury being injured। Fear superstitious। इसमें रूबरी बनाइए आपके fear superstitious के साथ में भी। Delusion images is black। और क्लोज करो भी।
डिल्यूजन फियर विथ ले जा सकता है। मेन चीज पेशेंट क्यों ऑपरेशन नहीं करना चाहता, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ है उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है सर, सुपरस्टिशियस हो सकता है इसने। सुपरस्टिशियस कैसे होगा, उसने जो चीज देखी है, जो चीज उसके घर में हुई है वो उसने देखी है कि भी उसके साथ हुआ है और वो उस चीज में एक्सपायर हो गई है। अब वो जब भी कोई उसके सामने ऑपरेशन का बात करता तो उसको उसकी सासू माँ दिखने लग जाती है कि नहीं मेरी सासू माँ के साथ ऐसा हुआ है इस केस में। परेशानी झेलना पड़े वहां सफरिंग लेंगे हम। यहाँ पेशेंट ऐसा कोई सफरिंग से रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं है, सीधे एस्केप कर रही है वो तो यहाँ पर भी फियर एस्केप डिजायर टू है ना, पेशेंट डर की वजह से मतलब ऑपरेशन नहीं कराना चाहती है, एस्केप कर रही है। और डर क्या है उसको, शुरू से हम देखते हैं कि पेशेंट ने आते से हमको बोला कि डॉक्टर साहब कुछ दिनों से ब्लड बहुत जा रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है एक्स्ट्रा वेगेंस, काफ़ी डॉक्टर को दिखाया कोई आराम नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बिजनेस स्टॉप। हमने उसने कहा कि काफी डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन की सलाह दी है कि ऑपरेशन करवा लीजिए आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, पर मुझे नहीं करवाना है, मुझे दवाई से ठीक करना है। ये फियर एस्केप डिजायर टू, वो एस्केप कर रही है और इलाज लेना चाहती है। और जब उसके हस्बैंड ने इस चीज को क्लियर करा कि कई जगह हस्बैंड से कुछ चीज पूछी जा सकती है क्योंकि हमारी मेडिसिन बहुत क्लोज थी, हमें कुछ ऐसा ठोस कारण चाहिए था, तो उसने बताया कि हमारे घर में डेथ हुई है और उनको मरे को 6 महीने हो गए हैं, बाकी जब भी ऑपरेशन की बात आती है तो ये कहते देखा ना कि आपकी साथ मम्मी के साथ भी तो हुआ था। ये है डिल्यूजन इमेजेस फैंटम सीज ब्लैक, उसको मरे हुए लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं इलाज के ऑपरेशन के नाम पर। और पेशेंट कह रही है डॉक्टर साहब इसकी वजह से मुझे कमजोरी आ रही है, थकान भरा है, तो डिल्यूजन इंजरी बींग इंजर्ड है यहाँ पर। और इन्हीं सभी के आधार पर हमने पेशेंट को स्ट्रोमोनियम 200 दिया था। और जैसे ही स्ट्रोमोनियम 200 दिया उसकी ब्लीडिंग नेक्स्ट डे बंद हुई, दर्द 8-10 दिन में कंप्लीट चला गया, 1 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पाइल्स में। पर 1 महीने के बाद उसका एक्जिमा उभर आया, उस एक्जिमा को हील होने में समय लगा और हमने स्ट्रामोनियम के एक डोज और रिपीट किया था। जब उसको इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा असहनीय हो गई थी तब हमने रिपीट किया था उसको। और आज की कंडीशन में उसका एक्जिमा पूरी सिक्योर जो 13-14 साल पुराना था, तो हमारी एक्यूट कंडीशन ने उसे क्रोनिक एक्जिमा को क्लियर कर दिया। यहाँ डिलीजन इमेजेस फैंटम सीज ब्लैक है और फियर ऑफ डेथ है, मौत का डर है ना उसको, उसकी सासू माँ के साथ जो हुआ उसके साथ भी हुआ, सुपरस्टिशियस लेंगे वहां भी स्ट्रामोनियम है। पर मेन कंसर्न तो उसकी मौत जो उसकी सासू माँ के साथ हुआ वो उसका कंसर्न है। अगर कोई उसको कहता कि इसके साथ पाइल्स का ऑपरेशन कराओगे जिसमें ऐसा हो जाता तो ये हम सुपरस्टिशियस लेते, पर यहाँ तो एक वाजिब कारण है ना आपके सामने, उसके घर में एक केस ऐसा हो चुका है। और जब भी ऑपरेशन का नाम लेते हैं तो वो उसकी उसकी सासू माँ का उदाहरण देती है कि देखो ना हमने भी उनका ऑपरेशन किया क्या हुआ। हॉरिबल थिंग ऑफ इट, स्ट्रोमोनियम है वहां पर भी, वहां पेशेंट किसी की कुछ स्टोरी देखकर अफेक्ट हो जाता है, लिया जा सकता है, बाकी बहुत कम मेडिसिन के साथ में ये रूबरिक बहुत अच्छा सुटेबल है। यहाँ उसको उसकी पेशेंट कह रहा ना कि डॉक्टर साहब जब भी हम इसके सामने नाम लेते हैं तो ये बोलती कि देखो उनके साथ ऐसा हो गया था, मुझे डर लगता है उनके साथ बहुत मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। एक और केस के अंदर हमने एक पेशेंट को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और पेशेंट ने
मेरे पास आकर तकरीबन सारे केस रूबरी बताए, एक्स्ट्रावेगेंस, इन लॉ, दर्द बहुत हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। और मैंने कहा कि आपको तो शायद डॉक्टर ने कुछ ऑपरेशन का लिखा है पर्ची पर, सर ऑपरेशन का ऑपरेशन नहीं करवाना मुझे। मैं क्यों डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले ना मेरी सासू माँ को लकवा आ गया, उनको कुछ पैर वेर फ्रैक्चर हुआ था तो चढ़ा, उसके बाद कुछ नस दब गई तो उसके बाद से पूरे पैर को शरीर पर लकवा आ गया। डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है कि मेरी कंडीशन वैसी नहीं हो जाए तो वो अभी एक्सपायर हो गए हैं 2 महीने पहले, तो मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मेरी भी मुझे जब भी ऑपरेशन नाम रखता मुझे उनका चेहरा दिखने लग जाता क्योंकि उनको भी लकवा आ गया था ऑपरेशन के बाद। तो जब भी ऑपरेशन का नाम आ रहा है उसके सामने वो मरे हुए लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसके जो उसके सामने इस बीमारी में या दूसरी बीमारी में गए हैं, तो वहाँ भी हम स्टामिना में जाता और पेशेंट पूरी तरह ठीक है। अब जो तकरीबन 4 या 5 साल से बहुत परेशान थी, तो ये बहुत प्यारा रूबरी के जहाँ पेशेंट दूसरों की बीमारियों को देखते हैं अपने इलाज के समय, उनको मरे हुए लोग अपने परिचित के चेहरे दिखते हैं कि उनके साथ हुआ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। एक बार रूबरी को जी फैंटम और रूबरी एक बार रिपीट करिए। ऐसी इमेजेस दिखती हैं, ब्लैक इमेजेस, मरे हुए लोगों के चेहरे नजर आते हैं। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दें, आवाज कट कट के आ रही थी। पूरा केस? केस नहीं सर, रूब्रिक सिर्फ। कौन सा वाला? डिल्यूजन ब्लैक इमेजेस वाला। पूरा रूब्रिक है डिल्यूजन इमेजिनेशन इमेजेस फैंटम सीज ब्लैक। यहाँ पेशेंट ऐसा एहसास करता है कि उसको मरे हुए चेहरे, भूत या नेगेटिव इमेजेस उसको नजर आती है जब वो किसी बीमारी से एस्केप कर रहा है ऑपरेशन से। अब वो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, जैसे लास्ट केस में हमने पेशेंट ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहती क्योंकि सफरिंग का डर है उसको। इस केस में पेशेंट ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहती क्योंकि उसके सामने वो इमेजेस आ रही है उसकी सासू माँ की, जो पाइल्स में मर गई है ऑपरेशन कराने के बाद, नीचे का हिस्सा पैरालाइज हुआ उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो पेशेंट जब भी ऑपरेशन का नाम लेते हैं उनको सजेस्ट करते हैं तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब वो जो हमारी सासू माँ भी इस बीमारी में मर गई थी तो इसलिए मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, आप दवाई से ठीक कीजिए, उसके हस्बैंड ने मुझे जानकारी दी थी। तो इस इमेजेस ऐसी नेगेटिव उसके सामने आती है। ये जो रूब्रिक क्या ना डिल्यूजन इमेजेस फैंटम सीज, इसको हम एक और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कॉमनली हम यूज कर सकते हैं इसी रूब्रिक को, जब पेशेंट कहता है कि कभी वो किसी भी हिस्से भी धोखा खाता है तो फिर उसके बाद उसके अंदर एक नेचर बन जाती है, जब वो किसी और के पास जाता है तो उसको भी वो बंदा भी आगे से धोखेबाज ही नजर आ रहा होता है, तो वहां पे भी इस रूब्रिक को हम यूज कर सकते हैं। मेरे सर आपने कभी यूज किया है इसको? जी अभी तक ऐसी कंडीशन में यूज नहीं किया है। हाँ इस कंडीशन में भी ये यूज किया जा सकता है कि अगर एक बंदा धोखा करता है, मिसाल एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है उसके साथ कोई मसला होता है तो वो नेक्स्ट किसी के पास जाएगा ना तो वो उसके जहन में होगा कि ये भी बंदा ऐसा ही है, ठीक है, वो सबको एक ही कैटेगरी में फिर नापता तोलता है। तो वहां पे भी हम डिल्यूजन इमेजेस फैंटम सीज ब्लैक, हर चीज उसे ब्लैक ही नजर आ रही होती है, वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये रूब्रिक तो एक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बन जाते हैं, बाकी हम उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगाकर उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम उसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हमारे पास आया था, गांव के सरपंच थे तो वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी आवाज बहुत बैठ गई है। तो मैंने कहा कि तो बताइए, बोले कि डॉक्टर साहब अभी इस कुछ दिनों पहले मैं एक गाँव में हेडपम्प का उद्घाटन करने गया था क्योंकि हेडपम्प मेरी ही पंचायत का था तो मुझे उसका उद्घाटन करना था, तो मैं वहाँ गया कराने के लिए। तो उन्होंने मुझे पानी हेडपम्प का निकाल कर पिलाया कि भाई जो मेहमान आते हैं अतिथि आते हैं वहाँ पे तो ये परंपरा है पिलाने की, तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और उसके बाद से ही मेरी आवाज़ डाउन हो गई। तो मैंने पूछा कि तो फिर
बोले कि मुझे लगता है डॉक्टर साहब किसी ने ना मेरे पर कुछ कर दिया, किसी ने मेरे पर कुछ ऐसा लेख मैजिक ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से समस्या मुझे आई है। और मैंने इसके लिए काफी लोगों के पास गया हूँ, तांत्रिकों के पास गया हूँ, पर इसका कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा, कुछ तोड़ नहीं निकल पा रहा डॉक्टर साहब। वो इस आवाज का कुछ कीजिए सर आप, मुझे तो पक्का लग रहा है कि किसी ने मुझे कुछ पिला दिया है या किसी ने मुझे कुछ पानी में डाल के दिया है जिसकी वजह से मेरी आवाज चली गई है। और मैंने इसके लिए सारे तावीज वगैरह वगैरह सब कर लिए हैं, पर इसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा। तो ये इस केस में भी हमने पेशेंट को वनेम का एक डोज दिया, वो तकरीबन 1.5 महीने में उसकी आवाज पूरी क्लियर हो गई। और इस केस का एक बहुत प्रोमिनेंट बहुत खास रूबरी है जो आज हम अभी मैं आपको बता रहा हूँ। Delusion charmed cannot break the spell superstitious. Delusion injury being injured. जब से वो पानी पिया है तब से मेरी आवाज बैठना शुरू हो गई है, लगता है मुझे किसी ने पॉइजन पानी पिला दिया है, उसके बाद से मेरी आवाज चली गई। Delusion poison has been. और सब मैंने सारे तांत्रिक क्रियाएं कर ली, सब दिखा दिया, पर मैं इस बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। Delusion charmed and cannot break the spell. हमने लैकेसिस 1 एम का एक डोज दिया पेशेंट को, और धीरे 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 जब काफ़ी आवाज़ मेरे पास उनकी आवाज़ बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी मुझे, पर हमारी होम्योपैथी में सब पॉसिबल है अगर हमने पेशेंट का कंसर्न पकड़ लिया। सर इसमें सुपरस्टिशियस नहीं आएगा? आएगा ना, सुपरस्टिशियस सबसे पहला रूबरी की अपने पेशेंट में। सर थोड़ा धीरे धीरे सर रूबरी कब बोल दें प्लीज, मनोज सर। सबसे पहला रूबरी डिल्यूजन इंजुरी बींग इंजर्ड। Yes, जब से पानी पिया है तब से मेरी गले की आवाज खराब होना शुरू हो गई है। सेकंड पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब हो ना किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है या किसी ने मुझे पानी में डाल के कुछ पिला दिया है। डिल्यूजन पॉइजन हैज बीन पॉइजन वाला रूप लिखा है। और थर्ड है कि मैंने इसके लिए सब किया है, तांत्रिकों के पास गया हूँ, सब सारी तांत्रिक क्रियाएं करवाई है, पर मैं इस बीमारी से बाहर नहीं इस तंत्र को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। बीमारी की जो इन्होंने मेरे पर विद्या बांधी है जिसने मेरे ऊपर, मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। डिल्यूजन चार्म्ड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। इस रूबरी को मैंने फर्स्ट टाइम इस केस में लगाया था, और उसके बाद तो इस केस में जैसे सक्सेस मिली तो हमको कॉन्फिडेंस आया कि इस रूबरी के कहीं और मायने हैं। तो इस रूबरी को हमने नेक्स्ट टाइम लगाया था एक लेडीज के केस में, जहाँ लेडीज की ये कंप्लेन थी कि मैं अपने बच्चे के बिना सो ही नहीं पाती। तो हमने काफ़ी टटोलने के बाद में इस रूबरिक को उस केस में भी लगाया था, और लेडीज की टेंडेंसी बन गई थी ऐसी कि बिल्कुल वो बच्चा मेरे पास होगा, जबकि बच्चे की शादी हो चुकी थी, पर वो उसके चार्म्ड में इतनी ज़्यादा आ गई है कि वो उसको तोड़ ही नहीं पा रही है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब ये मेरे पास नहीं सोता तो मुझे नींद ही नहीं आती है, पर ये तो उसकी पत्नी के पास सोता है। तो उसका बच्चा बोला डॉक्टर साहब मेरी अब शादी हो चुकी है, अब मैं कैसे इसके पास सोऊँ। तब हमने इस रूबरिक को वहाँ भी लगाया था, और बाकी रूबरिक को देख के वहाँ भी पेशेंट की नींद फिर आना शुरू हो गई थी। सर इसमें इंजर्ड बाय सराउंडिंग आएगा? नहीं, इसमें इंजरी बीइंग सराउंडिंग कहाँ से आएगा? उसने ये थोड़ी बोला कि मुझे वातावरण से या आसपास के किसी से हुआ है, प्रॉब्लम हुई है। एनवायरनमेंट की कोई प्रॉब्लम हो तो सराउंडिंग। थैंक यू। पर यहाँ तो उसने क्लियर कहा ना कि पानी पिया और गला बैठना शुरू, और किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया की। एक डिल्यूजन बीविच करके एक रूब्रिक है, वहां भी लैकेसिस है, सुपरस्टिशियस में लैकेसिस है, मतलब चुड़ैल वगैरह सर, तंत्र मंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो भी किसी ने मेरे पर तंत्र मंत्र कर दिया है, जादू टोना कर दिया है। तो लैकेसिस के पेशेंट बिल्कुल सुपरस्टिशियस, तंत्र मंत्र इनके प्रभाव में ज्यादा होते हैं। रस्ट ऑफ लैकेसिस
तो यहाँ पर हम चाम्ड का रूब्रिक लगा कर उसको लैकेसिस वन इंपैक्ट बोल दिया था। पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो मुझे पानी पिलाया है उसके बाद मेरा गला बैठा है, मुझे लगता है किसी ने मेरे ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। और इस काले जादू के बाद में मैंने काफी इसके लिए मैंने क्रियाएं करवाई इसको तोड़ने के लिए, पर मैं इस जादू को तोड़ नहीं पा रहा हूँ जिसने मेरे पर ये काला जादू किया है। मैं इस प्रोसेस को, इस काले जादू को मैं तोड़ के बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ, इस बीमारी का तोड़ ही निकाल पा रहा हूँ मैं इस जादू का। तो कई पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब किसी ने मेरे पर कुछ जादू कर दिया है और इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं कुछ भी, तो वो उस स्पेल को तोड़ नहीं सकता है, इतना चार्म्ड हो गया है। या कई बार हम जब देखते हैं कि एक केस देखा था मैंने डॉक्टर श्यामल किशोर सर की बुक में, वहां पर डॉक्टर का नाम मुझे एक्चुअली पता नहीं है, तो उन्होंने एक पेशेंट को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, तो घर वालों की प्रॉब्लम थी लड़की से कि ये उस लड़के के साथ इतनी सर ज्यादा अटैच हो गई कि घर में किसी को कुछ भी नहीं समझ रही है। तो जब उसकी केस टेकिंग उन्होंने पूरी लिखी थी उसमें बताया था कि दोनों गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इतने चार्म्ड हैं कि वो सब घर बार वालों को छोड़ने को तैयार थे, उसकी प्यार हुई और उसके प्यार को तोड़ नहीं पा रही थी घर से, मतलब उसके प्यार से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। घर वालों ने काफी समझा लिया कि भाई लड़का अच्छा नहीं है ऐसा वैसा, तो वो प्यार में उसके इतने चार्म्ड हो गई थी कि वो सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। तो वहां पर उस केस में उस बुक्स में लैकेसिस प्रिस्क्राइब की थी और वो लड़की उसके प्यार के स्पेल से बाहर निकल गई, जहां वो कुछ छोड़ नहीं पा रहे थे। दोनों सेंस में लिया जा सकता है, नेगेटिव सेंस में भी और पॉजिटिव सेंस में भी। पॉजिटिव सेंस में किसी के प्यार में इतना चार्म्ड हो जाएगा कि वो उसके प्यार से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, इतने पागल हो जाते हैं, कहते हैं ना कई बार हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इतने प्यार में इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाते हैं, इतने माया जाल इसको, वो एक दूसरे में इतने चार्म्ड हो जाते हैं कि घर वाले तक को छोड़ देते हैं। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, एक पेशेंट आया ना हमारे पास, तो फर्स्ट टाइम हमने उसको ऐसा डील किया कि बस वो आपके ही होके रह गया, फिर उसको कोई कुछ भी कह दे वो कहीं किसी और डॉक्टर के पास जाने वाला नहीं है, तो वहां पे भी हम इस रूब्रिक को यूज कर सकते हैं, वो आपके चार में आ गया। तो ये जो नरेंद्र गुप्ता सर ने एक केस में बताया है कि चार्म रूब्रिक एक्सपीरियंस डॉक्टर लगाते हैं, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास 4-5-6 बार आ चुके हैं और हमारी मेडिसिन पे एक्शन नहीं कर रही है, फिर वो अपनी दवाई देते हैं, वो आपसे चाम्ड है। एक केस नवीन गुप्ता सर ने शेयर किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके अनुभव के आधार बताया था कि हमने पेशेंट को पहली मेडिसिन शायद स्ट्रामोनियम या कैलकर काम दी थी उन्होंने, और उसके बाद में पेशेंट को आराम नहीं मिला, फिर भी पेशेंट नेगेटिव आया कि डॉक्टर साहब आराम नहीं है, तो पेशेंट गुप्ता सर ने उसको लैकेसिस का डोज दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये पेशेंट में से इतना ज्यादा चार्म्ड है कि आराम नहीं मिलने पर भी मेरे पास ही आ रहा है, तो ये मुझसे मैं जानता हूँ उसको कि ये और भी 4 दिन ठीक नहीं हुआ तो भी मेरे पास ही रहेगा, तो उन्होंने वहां इस रूब्रिक को लगाकर लैकेसिस दी थी। बहुत ही प्यारे प्यारे रूब्रिक है हमारे रेपर्टरी के अंदर, अगर हम उनके अच्छे सही मायने में मतलब समझेंगे तो हम बड़े बड़े केस क्लियर कर सकते हैं। कोई बस हमें पेशेंट का कंसर्न पता होना चाहिए, जैसे हम दोनों केस देखे, मैंने आज दोनों केस इसलिए स्टामोनी में दिखाया कि दोनों में पेशेंट में ऑपरेशन चाहता है, ऑपरेशन करना नहीं चाहता है, दोनों क्लियर एस्केप डिजायर में है, और एक तरफ सफरिंग है और एक तरफ डिल्यूजन इमेजेस फैंटम्स इज ब्लैक है, इसलिए मैंने आपको दोनों जैसे देखा है ताकि हम इस चीज फोकस रहे कि पेशेंट आया क्यों है हमारे पास इलाज कराने के लिए। लास्ट टाइम मैंने आपको एक इग्नेशिया का दिखाया था जिसमें पेशेंट को पेशेंट पागल था और उसे पेरेंट्स मेरे पास आए थे और पेरेंट्स ने बताया था कि डॉक्टर साहब हमारा छोटा तो पागल हो गया है, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको कहा था कि भाई लड़के को लाओ ना, हम बिना लड़के के कैसे ट्रीटमेंट देंगे, तो उन्होंने कहा था कि सर वो तो पागल हो चुका है और यहाँ लाएंगे तो आपके चीजें तोड़फोड़ कर देगा। हमने जब पूछा उनसे कि भाई पागल का कारण, तो उन्होंने बताया कि वाइफ ने उसको, वाइफ का कहीं अफेयर हुआ और वो उसका
और फिर उन्हें मासूम को सदमा लगा और वो पागल हो गया। तो यहाँ जब हम ठंडे दिमाग से सोचा तो हमें रूब्रिक मिला था वहाँ पर एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन न्यू एग्रावेट। एक ही रूब्रिक में तीनों रूब्रिक, एक ही सेंटेंस में तीनों रूब्रिक आ गए। बोल्ड में इग्नेशिया सिंगल सर, ये सिंथेसिस में है क्या? कारण पता चला सिंथेसिस की नहीं, कंप्लीट में है। और उसके बाद फिर हमने सेकंड रूब्रिक उसका डिस्कंसर्ट लिया था, और थर्ड रूब्रिक लिया था इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म। पेशेंट पहले कंसर्ट में था, डिस्कंसर्ट हुआ और उसके बाद इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म में चला गया, बिल्कुल मूर्ख तो मूर्खों को व्यवहार करने लग गया, पागलों की तरह मूर्खों की तरह बिहेवियर करने लग गया। हमने वहाँ इग्निशन 200 का एक डोज दिया, नेक्स्ट दो घंटे बाद उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हुई, और अब विश्वास नहीं करेंगे नेक्स्ट डे पेशेंट जो पागल था चेन में बंधा हुआ था, उस पेशेंट ने खुद मुझसे बात की कि डॉक्टर साहब अब जलन नहीं है। तो घर वालों ने मुझे बताया डॉक्टर साहब ये किसी से बात नहीं करता है, पर आपसे इसने आज बात की और अब नॉर्मल है पेशेंट पूरी तरीके से, जबकि साइकेट्रिक बिल्कुल पागल घोषित हो चुका था। तो हमें पेशेंट का कंसर्न पता चल जाए कि ऐसा कर क्यों रहा है, तो केस फिर सामने हम, वैसे भी हम वी ट्रीट द मैन नॉट द डिसीज, तो फिर बीमारी तो हम वैसे भी देखते नहीं है। जी बताइए सर, इन द फर्स्ट केस कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डेल्यूजन फियर फ्रॉम अगेन? डेल्यूजन फियर फ्रॉम, पेशेंट को ऐसा डर है कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, हुई नहीं है, हो जाएगी डॉक्टर मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी, तो यहाँ पेशेंट को डर के साथ में डेल्यूजन है, उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। जैसा कंसर्न, जैसी मेडिसिन की टोटलिटी थी, इसके अनुसार हमने फियर और डिल्यूजन दोनों को एक साथ डाला, तो ये रूब्रिक आया और वहां पर स्टोमोनियम थी, इम्पेंडिंग काफी बड़े रूब्रिक है। हमें कई बार कुछ ऐसे रूब्रिक ढूंढने होते हैं जहां कम मेडिसिन हो, जैसे अभी हमने रूब्रिक क्या सर? बच्चे में कौन सा इसका रूब्रिक? फियर डिल्यूजन फियर फ्रॉम हेलो सर, हेलो जी हाँ सर, वो एलर्जिक राइनाइटिस का कौन से रूब्रिक लिए थे आपने वो केस में? एलर्जिक राइनाइटिस में सबसे पहला तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, डिल्यूजन इंजरी सराउंडिंग और प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल, बस तीन ही रूब्रिक है। पानी पीने के बाद उसको सर्दी जुकाम हुआ, डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, जब जब मौसम चेंज होता है, ये मौसम डस्ट एलर्जी की वजह से मुझे सर्दी जुकाम आए दिन होती रहती है। पहला तो पानी पीने के बाद उसको सर्दी जुकाम हुआ, तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। सेकेंड उसने कहा कि डॉक्टर साहब जब जब ये मौसम चेंज होता है तब तब मुझे ये सर्दी जुकाम होती है, डिल्यूजन इंजरी बीइंग सराउंडिंग। और थर्ड डॉक्टर साहब मैंने काढ़ा वगैरह ये सब पीकर अपना इलाज किया, और वैसे भी जब जब मुझे सर्दी जुकाम मौसम ठंडा मौसम गर्म होता है तो मुझे सर्दी जुकाम अक्सर होती रहती है। प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल अभी एक परसों केस आया मेरे पास बच्चे का, और बच्चे को मदर ने आके बताया डॉक्टर साहब इसने परसों के दिन है ना तरबूज खाया था और उसके बाद उसको दस्त चालू हो गई, और पेशेंट मनोज सर कैलाश चंद्र साहू सर है उड़ीसा से, कुछ क्वेश्चन रखना चाहते हैं सर प्लीज। जी जी बताइए पागल वाला केस का ना, सबसे पहले तो पेशेंट पागल हुआ, कारण था उसकी पत्नी का अफेयर कहीं और उसको पता चला,
तो उसको एक ऐसा हमने अंदाजा लगाया कि पेशेंट को डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन की फील आई, तो पहला रूबरिक है एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंट डिसेप्शन न्यू एग्रावेट, तीनों एक साथ लाइन में है, डिसअपॉइंटमेंट भी है डिसेप्शन भी है और वो भी नया नया ताजा ताजा न्यू, सबसे पहला रूबरिक है और इसी केस इसी रूबरिक के साथ ये केस खत्म हो जाता है। यहाँ बोर्ड में इग्निशिया है सिंगल। सेकेंड रूबरिक है पेशेंट की नॉर्मल लाइफ चल रही थी अच्छी खासी, जैसे उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला उसकी पत्नी से वो डिसकंसर्ट हो गया, पागल हो गया बिल्कुल, उसने हाथ पैर फेंक दिए बिल्कुल पागलों की तरह, उसको पत्नी को मारना कूटना तो नहीं लग सका क्योंकि इग्निशिया मारती कूटती नहीं है, वो डिसकंसर्ट में चली जाती है, तो ये डिसकंसर्ट हो गया बिल्कुल और पागल हो गया। और थर्ड रूब्रिक है इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म, उसका विवाह बिल्कुल अपोजिट हो गया, नेगेटिव हो गया पागल इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म नेगेटिविज्म आप इम्बेसिलिटी खोलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने पेशेंट से कुछ भी नहीं पूछा, पेशेंट की मदर ने आकर बोला कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे ने परसों तरबूज खाया, दिन भर बहुत तरबूज खा रहे थे और उसके बाद से अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वो छत पर घूम घूम के उन्होंने तरबूज खाए हैं और उसके बाद दस्ते लग रहे हैं और बंद होने का नाम नहीं ले रही, तीन दिन से इंजेक्शन लगवा रहे हैं कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ मेडिसिन और रूब्रिक बताया, रूब्रिक तो क्या पे डॉक्टर उसकी मदर ने बताया है, तो हमें सिंगल रूब्रिक देखा वहां पर और एक ही मेडिसिन है वहां पर और एक ही डोज दिया और पेशेंट के विदिन हाफ एन आवर में दस्त बंद हो गए। कहीं जगह हमें कारण कॉजेशन एग्जाइटिंग कॉज अगर पकड़ में आ जाए बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग हर प्रकार से होनी चाहिए, हमें एग्जाइटिंग कॉज भी पता होना चाहिए कि पेशेंट का क्या होगा, हमारे पास हर पेशेंट आकर क्लियर कट नहीं बोलेगा, कहीं जगह पेशेंट बिल्कुल खुले खट एग्जाइटिंग कॉज बोलते हैं और हमें वो मेडिसिन जो उसमें होती है देनी चाहिए। कोई गेस करेगा इसमें क्या मेडिसिन होगी केस में, बच्चे ने तरबूज खाए गर्मी के मौसम में छत पर घूमते घूमते और दस्त लग गई, डॉक्टर तीन दिन से उसको सुबह शाम इंजेक्शन लगा रहे हैं दस्त बंद नहीं हो रही है, लास्ट कैसे 5 मिनट गेस कीजिए मेडिसिन, फिर आपको एक और ताजा रूब्रिक देंगे जो भी इस गर्मी में बहुत काम आएगा। पहले इस रूब्रिक में सिंगल मेडिसिन थी, अब दो आई हैं। सर जो रूब्रिक आज बता रहे हैं मैं कल शाम को सारे रूब्रिक डाल दूंगा, जैसे आज डाले हैं कल मैं डाल दूंगा, अगर कोई लिखना चाहेगा तो लिख सकता है। और कोई मेडिसिन कितने के साथ हैं गर्मी में हमारे पास कि डॉक्टर साहब कल तरबूज खाया कल पपीता खाया और दस्त चालू हो गए, बहुत आते हैं ऐसे केसेस, कितने केस आएंगे आपके पास? मैं अभी एक आध दिन में यूट्यूब पर पूरी एक सीरीज डालने जा रहा हूँ हॉट वेदर से रिलेटेड, क्योंकि हम काफी तीन ऑब्जर्वेशन की तरह देखते हैं पेशेंट ने क्या किया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्चे का एक केस हुआ जिसने माजा पी और उसके बाद उसकी वॉमिटिंग और वगैरह सब बंद ही नहीं हुई, फिर हमें उसके एग्जाइटिंग सर आपकी यूट्यूब का लिंक प्लीज शेयर करिएगा, हमें पता ही नहीं है आपका चैनल। ठीक है मैं कर दूंगा शेयर, सर इधर दे दीजिए मनोज सर जी। अ
हेलो सर, हेलो। हाँ सर। तो मनोज जी आपका पूरा हो गया ये? सर फेसबुक में लिंक दे रहा है, फेसबुक का लिंक। हाँ तो इसका पूरा कर दें इसके बाद। तो आवाज नहीं आ रही मनोज जी, आपकी आवाज खत्म हो गई है। नहीं नहीं काफी है, माइक ऑन कीजिए जी। मेडिसिन किसी के अभी तक नहीं आई है। ठीक है, मैं रूब्रिक बताता हूँ आपको। आप रेक्टम में जाएंगे, कंप्लीट रेपर्टरी में, ये सिंथेसिस में नहीं है रूब्रिक। रेक्टम में डायरिया, डायरिया में फूड, फूड में फ्रूट, और फ्रूट में हॉट वेदर एग्रावेट। चाइना के साथ में पोडोफाइलम है। चाइना अभी एड हुई है, पहले पोडोफाइलम सिंगल थी। मैंने उस बच्चे को पोडोफाइलम बनेम का सिंगल डोज दिया और आधे घंटे में ही उसकी दस्त बंद हो गई। क्योंकि एक्साइटिंग कोस क्या है? हॉट वेदर। और खाया क्या है? तरबूज। तरबूज क्या है? फ्रूट। दो रूब्रिक हमें माने आते से ही देते हैं। तो एक्साइटिंग कोस प्लस मैनिफेस्टेशन, हमें गर्मियों में एक्यूट केस में देखना क्या है? एक्साइटिंग केस प्लस मैनिफेस्टेशन। अगर जहां हमें सिम्टम कम हो तो पेशेंट ने सिंपल से कहे हमने डायरिया, रेक्टम में डायरिया, डायरिया में फूड, फूड में फ्रूट, फ्रूट में भी हॉट इन वेदर एग्रावेट। पहले एक थी पोडोफाइलम सिंगल, तब चाइना एड की गई है। तो वहां पोडोफाइलम एक डोज दिया और बच्चे की दस्त आधे घंटे में बंद हो गई।